व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि एक डिव को सेंटर में कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में आज सीखेंगे हम कि डिव को हम सेंटर कैसे करें सीएसएस की हेल्प से विदाउट एचटीएमएल। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक डिव ले लेना है, ठीक है। और अब मैं इस डिव के ऊपर आपको सीएसएस लगा के दिखाऊंगा, जिससे कि मैं इस डिव को सेंटर में कर पाऊँ। और उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ज़्यादा इस तरह के ट्यूटोरियल्स देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें जानने के लिए, तो मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इसी प्रकार से आप मेरे साथ जुड़े रहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम अपने वापस से कोडिंग पर आ जाते हैं, और यहाँ पर जो हमने HTML में डिव बनाया था उसको हम CSS के अंदर एक्सेस करेंगे। और एक्सेस करने के लिए आप जानते हैं ID और क्लास का यूज़ होता है, क्योंकि मैं एक ही डिव का यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उसके डायरेक्ट नाम से ही उसे एक्सेस करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर डिव लिखा, कर्ली ब्रेसेस दिए, और इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको एक हाइट देंगे। हाइट यहाँ पर मैं दे देता हूँ 400 पिक्सल, और इसी प्रकार से इसकी विड्थ भी मैं 400 पिक्सल ही दे देता हूँ, ठीक है। तो 400 पिक्सल और 400 पिक्सल की हाइट विड्थ, ये देकर के मैंने एक परफेक्ट सा स्क्वायर बना दिया है। और लेकिन ये अभी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब तक हम इसका बैकग्राउंड नहीं देंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर में एक रेड कलर दे देता हूँ, और उसे आपको दिखाने के लिए कि देखो 400 × 400 पिक्सल का एक डिव हमारे सामने तैयार हो गया, जिसका एक बैकग्राउंड कलर है रेड कलर। और अभी हमें क्या करना है कि आप देख सकते हो कि ये जो है एकदम हमारे जो बॉडी है, पूरा जो पेज है, इसमें चिपका हुआ है टॉप लेफ्ट की तरफ, ये एकदम चिपका हुआ है। हमें क्या करना है, इसको एकदम परफेक्ट सेंटर में लाना है, ठीक है, एकदम परफेक्ट सेंटर। लाइट राइट साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी, टॉप साइड से भी, एंड बॉटम की साइड से भी। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे को ना CSS में कुछ चीज़ें मिलती हैं लाइक पोजीशन। तो पोजीशन का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, पॉइंटर का नहीं, पोजीशन। पोजीशन आपको रखनी है इसकी एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट रखनी है। और आपको क्या करना है, टॉप से इसको 50% कर देना है, फिर आपको लेफ्ट से 50% करना है इसे। क्योंकि देखो, हमें क्या करना है, हमें अपना ये जो डिव है ना, इसको ऐसा परफेक्ट एकदम सेंटर में दिखाना है बॉडी के, ना तो लेफ्ट में एक भी पिक्सल ज़्यादा या कम, ना राइट में एक पिक्सल ज़्यादा कम, ना टॉप में और ना बॉटम में, ठीक इसी प्रकार से एकदम परफेक्ट सेंटर में। तो वो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हर तरफ से 50% का हम इसके अंदर ये गैप दे रहे हैं, ताकि ये डिव जो है परफेक्टली एकदम 50% हर तरफ से अपने आप को देख करके सेंटर में कर ले। तो अभी हमने टॉप और लेफ्ट से तो कर दिया, और पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर दी, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं करते तो हमारा जो 50% हमने दिया टॉप लेफ्ट से काम नहीं करता। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें यहाँ लिखना है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी है, अब ट्रांसफॉर्म के अंदर हम क्या लिखेंगे, ट्रांसलेट। अब इसके अंदर आपको लिखना है -50%, -50%, बस इतना ही लिखना था। अब ये लिखा, और अब 3, 2, 1, देखो एकदम परफेक्ट 100% आपके जो डिव है देखो सेंटर में आ गया। अब मैं इसको मान लो, देखो वेब पेज को अगर मैं देखो बड़ा या छोटा भी करता हूँ, तो आप देखो डिव अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, देखो 100% ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। अब अपने आप ये देखो चेक कर रहा है कि इसको कैसे अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है कि ये सेंटर में रहे, है ना। तो हमारा डिव इस प्रकार से हम सेंटर में कर सकते हैं। आप डिव भी सेंटर में कर सकते हो, अगर आपका कोई और टैग है या फिर कोई और आपने एलिमेंट आपने क्रिएट किया हुआ है, तो अगर आप उसको सेंटर में करना चाहते हो, एकदम परफेक्ट बॉडी के सेंटर में लाना चाहते हो, तो इस प्रकार से आप ला सकते हो, ठीक है। और डिव को सेंटर में ला सकते हो। इसी के साथ साथ अगर मान लो आप कोई कार्ड बना रहे हो, आप कोई कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बना रहे हो, तो उसको बनाते समय क्या करते हो, आप सबसे पहले कंटेनर नाम का डिव बनाते हो, ठीक है। तो आपको ज़रूरी नहीं है उस कार्ड के अंदर के हर एक एलिमेंट को सेंटर में करने की इस तरीके से, आप सिर्फ उसके जो उसका सबसे पेरेंट चाइल्ड है, सबसे बड़ा वाला जो उसका एलिमेंट है, यानी कि जो मेन है कंटेनर है, सिर्फ उसको सेंटर में कर दो। सो ऑटोमेटिकली उसके बाकी अंदर के जो एलिमेंट्स है वो तो आपने सही से हाइट और विड्थ, मार्जिन, पैडिंग देकर के अलाइन कर रखे हैं, तो उनको तो कहीं एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपने मेन कंटेनर को सेंटर में करना है, वो जैसे आपने कर दिया तो आपका सारी चीज़ सेंटर में आ जाएगी। तो इसी प्रकार से आप सेंटर कर सकते हो किसी भी डिव को, किसी भी एलिमेंट को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।